وأحسن منك لم ترقط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. किताब बरकत वाली है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल फरमाया है ताकि दानश मंद लोग इसकी आयतों में गौर विक्र करें और नसीहत हासिल करेंद मौलाजरतल सामीन नाजर इक्राम असल वरम वक्कर सुर आल इमरान दर्श नंबर दो सौ उनचास आयत नंबर तेरह आज का मौजू क्या हम अल्लाह ताला के सच्चे बंदे हैं इसके साथ आज के सबक का आगाज करते हैं सबसे पहले गुज्त सबक का इदा होगा पना मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूत से शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है परवरदिगार तू उस रोज जिसके आने में कुछ भी शक नहीं सब लोगों को अपने हजूर में जमा कर लेगा बेशा नहीं करता अवला इकहुम व जो लोग काफिर हुए उस दिन न तो उनका माल ही खुदा के अजाब से उनको बचा सकेगा और न उनकी औलाद ही कुछ काम आएगी और ये लोग आतिश जहन का ईंधन होंगे उनका हाल भी फिरौनियों और उनसे पहले लोगों का सब होगा जिन्होंने हमारी आयतों की तकजीब की थी तो खुदा ने उनको उनके गुनाहों के सबब अजाब में पकड़ लिया था और खुदा सख्त अजाब करने वाला है। काफिरों से कह दो कि तुम दुनिया में भी करीब मकलूब हो जाओगे और आखिरत में जहन्न की तरफ हाँके जाओगे और वो बुरी जगह है तबिनकर सूर आल इमरान आयत नंबर तेरह कद कान कानकुम आयतन अलबत् है तुम्हारे लिए एक निशानी फी फनत दो ग्रोहों में जब वो बाहम मुकाबिल हुए फ़िआत तो कातिलो फ़ी सबी उनमें से एक ग्रोह लड़ता था अल्लाह की राह में व उखरा काफ्रतन दूसरा काफिर था रोन नहुम वो इन्हें दिखाई देते थे मिस लिम दो चंद लाइन खुली आँखों से व्ला मन यशाओ और अल्लाह ताला मदद करता है तायिद करता है अपनी मदद से जिसे चाहता है इन नफीसाल का लाइबरतबसार बेशक इसमें निशानी है अक्लमंदों के लिए स्वामिन कराम मजमून मुख्तलफ़ नहीं है वही मजमून है जो चला आ रहा है और मजमून है तोहीद का तोहीद का मतलब यह है कि ला अल्हा यानी अल्लाह ही मबूूद बरहक है वही मकसूद बरहक है वही महबूब बरहक है और वही मतलूब बरहक है आ, तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अल्लाह ताली जो है वो हमें बता रहा है कि देखो ये दुनियावी माल और औलाद तुम्हारे काम नहीं आएंगे बेहतर यह है कि तुम अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुका दो और जो कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मकसूद मुतायिन किया है या उसका तरीक़ेकार है उसके मुताबिक तुम जिंदगी गुजारो और अगर तुम मोमिन होगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा और जो काफिर हैं वो यानी अल्लाह की मदद के मस्तक नहीं है सिर्फ़ मोमिन जो हैं जो अल्लाह के जिन्होंने अल्लाह के हुम के सामने सर झुकाया हुआ है वही अल्लाह ताला की रहमत और मदद के मस्तक हैं आज का जो सबक़ है तो वो आपने तर्जुमा सुना कि अल्लाह ताला एक निशानी बयान कर रहा है अपनी मदद की देखें एक बात नोट कर लें कि जो अल्लाह पे ईमान रखते हैं यकीन रखते हैं जाहिर है कि वो तो बातिन पर यकीन रखते हैं तो बातिन पर यकीन रखना ही असल है और जाहिर पर यकीन रखना इसकी कोई असल नहीं है ज़ाहिर अभी हमने पढ़ा है ना कि इन लजीन कफ़रूलन तुगनी आन हम वला हमला औलाद हम तुम्हारे जो माल और औलाद हैं अल्लाह के मुकाबले में आ, तुम्हारे कुछ काम नहीं आएंगे और तुम सब जो है आग का ईंधन बनोगे इसका मतलब बिल्कुल वाज़ है सामिन कराम अगर आप गौर कर रहे हैं इन आयात मुबारका पे तो अल्लाह ताला ने गुज्त आयत में भी ये फ़रमाया था कुलज़ी नफ़रुसत लबुन मतशरुन इला जहन्नम व बसलमिहाद जल्द ही तुम नाकाम हो गए और मगलूब हो गए और तुम्हें जहन्नम की तरफ हाँका जाएगा और वो बहुत बुरा ठिकाना है आज की आयत में अल्लाह ताला अपनी मदद की मिसाल बयान कर रहा है कद कानकुम आयतीफ आयतः इस तमाम आयत में सामने कराम मजमून बस यही है कि वल्लाहु हो यु दो बेनसरी मैशाओ बुनियादी नुकतः है अल्लाह की मदद के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते लेकिन दुनिया में भी हम जो कुछ भी करते हैं उसमें अल्लाह ताला की ताइद और नुसरत शामिल होती है अगरचे यानी ज़रूरी नहीं है कि हमारे हर काम में अल्लाह ताला की रजा शामिल हो। उमूमन हम जो ज़िंदगी गुज़ारते हैं वो अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर गुज़ारते हैं यानी अल्लाह की रज़ा के बगैर अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं और इसमें अल्लाह की रजा शामिल नहीं होती लेकिन मोमिन जो है उसके साथ अल्लाह ताला की खसूस रहमत होती है अगरचे जाहरी तौर पर मुश्किल ये थोड़ी सी बात नोट कर लें, अहम बात है यानी अल्लाह ताला ने मोमिन की तरक्की का राज मुश्किल और मुसीबतों में पन्हा रख दिया है और अल्लाह ताली ने फरमाया युल इंसान काद रबे का कद हन फमुलाक़ी ए तुम खूब मेहनत करते हो जदोजहद करते हो बस अगर तुम ऐसा करोगे तो यकीन रखो कि तुम्हारी उससे मुलाकात हो जाएगी देखें ये मुश्किल और तकालीफ ये मैंने आपको बताया है कि मोमिन का जेवर है यानी अल्लाह ताला मोमिन को यानी इस तरीके से आगे ले जाता है मुश्किल और कोशिशों के रास्ते पर चल कर ही मोमिन आगे बढ़ सकता है ये बात अच्छे तरीके से नोट कर ले मैंने पहले भी बात की हुई है लेकिन यह है कि ये एक इलाही तरीक़ेकार है नफी अम कुम व कुम तुम्हारी माल और जान में मैं तुम्हारी ज़रूर आजमाइश करूँगा अल्लाह ताला ने फरमाया कि न जालनामा अलअर्द जी न नबलोहम अम आसनआमल ये जो कुछ इस ज़मीन पर है ये इसकी ज़ाहरी जेबजीनत है मकसूद इम्तहान है कि तुम में से कौन अच्छा अमल करता है और फिर इसी सुर बकरा में जो गुजशत सूरत हम पढ़ के आए हैं कि वल नबल वनकुम बिश मिनल ख़ौफ वजूए व नकस मिनल अमवाल फ़स वात मुख्तलिफ़ चीज़ों से आज़माइश मैं तुम्हारी ज़रूर करूँगा एक बात तो ये नोट कर लें कि यह अल्लाह का रास्ता ये कोई फूलों की सेज नहीं होती फूलों का रास्ता नहीं होता आप पे कोई गुलपाशी नहीं करेगा आपके गले में बदनामियों के तकलीफ़ों के हार डाले जाएंगे आपको सताया जाएगा आपको झुटलाया जाएगा ये एक सुनत इलाही है ये तरीक़ा है ये रास्ता है वो हक़ नहीं है जिसकी कोई मुखालिफ न हो वो अल्लाह वाला नहीं है कि जो सबको पसंद हो बहुत से लोग उसके मुखालिफ होंगे और कुछ लोग जो है हो सकता है उसके हो फेवर में हो, लेकिन अक्सरियत जो है हक़ से इनकार करने वाली है आज की मैं बात कर रहा हूँ दो तो की आज की अक्सरियत जो है ये हक से इनकार करने वाली है लेकिन अल्लाह ताला ने मोमिनों को तसल्ली दी है कि तुम फिक्र ना करो तुम एक यानी जो तुम्हारा मकसूद है उस रास्ते पे चलते जाओ ये तकालीफ मुसीबतें बदनामियाँ झुटलाना ये आएंगी और ये ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है मैं तुम्हारा मददगार हूँ नाहन औलिया हुकुम हयात दुनिया और फिर आखिर दुनिया की ज़िंदगी मैं तुम्हारा मददगार हूँ और आखिरत की ज़िंदगी भी, भी मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो लेकिन इसमें एक और बात है कि जब नुसरत इलाही के मौे होते हैं और उसका एक यानी अल्लाह की मदद अल्लाह की नुसरत ये अल्लाह ताला ने देखें वादा किया हुआ है इस बात में आपको यानी शक व शुबे में मुबला नहीं हो जा हो जाना चाहिए अल्लाह ताला ने मोमिन की दुनिया में मदद का वादा फरमाया हक़न बै कलैन हक़न उमिन हकैन नज़िलमिन मोमिनों की इमदाद मोमिनों की निजात मेरा मुझ पर लाजिम है इन्ना नलन सरो रसुलना वलीन आमन फ़िल हयात दुनिया मैं अपने रसूलों की और मोमिनों की इस दुनिया में भी मदद करूँगा फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि वलायन सुरह मैन सुर हूँ अल्लाह ताला ज़रूर मदद करता है उस बंदे की जो अल्लाह की मदद करते हैं इन तन सुरकुम। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा देखें ये अल्लाह ताला की मदद जो है ये तो अल्लाह का वादा तो है लेकिन एक बात नोट कर लें कि हम यानी यानी हमारा इरादा ये होना चाहिए कि अपनी मालो जान को अल्लाह की राह में खपा दें मदद कब आएगी ये अल्लाह ताला के फैसले होते हैं वो हकीम है दाना है हम नहीं जानते वो जानता है वल्लाहु यालमो व अंतुम ला तमो एक बात ये नोट कर लें कि हम तो मतलब देखें अल्लाह की मदद आ, मांगना जो है मैं उससे इनकार नहीं करता और कुरान में आई हैं दुआएं आई हैं लेकिन यह है कि आप अमली तौर पे अपनी ड्यूटी और फ़रज़ अंजाम दें फिर ये मालिक और मौला की मर्ज़ी है ला युखलिफुल मियाद के अल्फाज अभी आए हैं कि अल्लाह ताला वादों के ख़िलाफ़ नहीं करता तो यानी मदद का टाइम क्या है या कौन सा वक्त होगा ये अल्लाह पे आप छोड़ दें आप अपना काम करते चले जाएं और जान की बाजी लगा दें माल जान की बाजी लगा दें अपना माल जान को खर्च करें अल्लाह की में अल्लाह की मदद का इंतज़ार यानी ये आपका फ़ैसला नहीं होगा ये एक बात मैं आपको बता दूं ये अल्लाह की मर्ज़ी है अल्लाह ताला कभी यानी माल ले कर आजमाता है कभी जान ले कर आजमाता है तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है अगर हम जानों का नजराना पेश करते हैं या माल का नजराना पेश करते हैं तो ये तो यानी इस रास्ते का तरीकेकार है ये आप पर लाजिम है कि आपने चूँकि सौदा कर लिया है अल्लाह ताला से अपनी माल अपनी मालों जान उसकी राह में ख़र्च करने का तो आप खर्च करते चले जाएं नतीजा या वो वक्त ये आपका काम नहीं है इसका फैसला आपका नहीं है ये मेरे रब का फैसला है कि कब यानी वो ज़्यादा जानता है हमसे ज़्यादा वो जानता है कि कब आ, मदद होनी चाहिए मिसाल के तौर पे तेरह साल थे आप देखें आ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरह साल गुजार दिए मक्के में मुसलमानों पर म सितर के सितम के पहाड़ तोड़ तोड़े गए और हर कस्म की तकलीफ़ें दी गईं यहाँ तक कि मेरे आका के पे पत्थर भी बरसाए गए तइफ की वादी में और उनके कपड़े मुबारक पाँव लहू लहान हो गए और उसको उनको पत्थर मारे गए लेकिन ये एक इम्तहान था और ये एक रास्ता था जिस पे उन्होंने गुज़र कर हमारे लिए एक नमूना पेश किया आप देखें याद करें फिर अभी तालिब है तीन साल मका होता है बच्चे बिलक बिलक के रोते हैं भूख के मारे लेकिन मदद कब आएगी ये अल्लाह का फैसला है हज़रत इमाम हुसैन आलाम मैदान करबला में शहीद कर दिए गए अपने साथियों समीत लेकिन मदद ये अल्लाह का फैसला है अल्लाह ताल हाजिज़ नहीं है अल्लाह गालिब है वल्ल गिबलाम्र ही वाला किन्ना अक्सर ना यालमून अल्लाह गालिब है आ, अपनी बंदों की मदद पर लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं यानी अपने हुक्म नाफिस करने पर अल्लाह ताला गालिब है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने बाप से जुदा कर दिए गए याकूब की गोद से उनके भाई उनको छीन के ले गए और एक अंधे कुएँ में डाल दिया और एक तवील अरसे तक वो सलाम उनकी आँखों से उजल रहे उन्होंने यानी उनका इंतज़ार करते रहे व बद्दत आए ना हो मिनल हसन बहु वक़ीम और आँखें भी जो है आँखों पे भी नाबीना हो गए लेकिन यह है कि मदद ये अल्लाह का फ़ैसला था एक ख़ास वक्त भी आती है इस वक्त का इंतज़ार आपने नहीं करना ये एक मैं ज़िमनी नुक्ता आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला की मदद कब आएगी इसका आपने इंतज़ार नहीं करना आपने अपना काम सर अंजाम देते चले जाना है वो देखें हमारा खालिक है हमारा मालिक है हमारा आका है और वह अपने कामों को बेहतर जानता है जब बदर में मदद आई जिसका अभी हम तस्कर आयतुन। बदर में अल्लाह की मदद आई ना? तीन सौ तेरह नित्ते तकरीब लोगों ने एक हज़ार मुसलह लश्कर को शिकस्त फाश दे दी सत्तर लोगों को बांध लिया गया कैदी बना लिए गए सत्तर जो है जहनम वासिल हो गए तो मदद तो आई तीन गन्ना फ़ौज को निहत्ती फ़ौज ने तकरीबन शिकस्त फाश दे दी लेकिन ये वक्त ये तो अल्लाह ताला का फिर फैसला था वल्ला दो बेनसर ही मई यशाओ अल्लाह ताला मदद कर तयद करता है अपनी मदद के साथ मई यशाओ जिसे चाहता है और जब चाहता है <laughs> मैं सिर्फ ये जब चाहता है और जिसे चाहता है ये तो मालूम है कि मोमिनों की अल्लाह ताला मदद करता है लेकिन मदद का वक्त कब होगा इसके लिए ये फ़ैसला आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें आप खामा ख़ाह तकद्दर ना करें इंतज़ार ना करें बस ये वक्त अल्लाह पे छोड़ दें अल्लाह का वादा है ये ला अभी हमने पढ़ा है ना कि अल्लाह ताला इन अल्लाह ला युखलिफुल मियाद अल्लाह वादे के खिलाफ नहीं करता वादे तो अल्लाह ताला के मैंने आपको तकरीबन बता दिए इसके अलावा भी वादे हैं कुरान पाक में एक तवील मजमून है मोमिनों की मदद का लेकिन ये कब होगा इसका इंतज़ार आपने नहीं करना आपने करना क्या है बस माल और जान को अल्लाह की राह में कुर्बान करते चले जाना है बस मदद अगर आई भी तो आपकी जो क़ुरबानियाँ हैं वो तो कम नहीं होंगी मदद म, बदर में मदद आ गई और फिर यहाँ तक के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी वदीबिया में आप देखें एक माह किया जो बज़ाहिर मुसलमानों के मफाद के ख़िलाफ़ लग रहा था लेकिन वो मदद थी तो हमें नहीं मालूम कि अल्लाह ताला अपनी बंदों की कब मदद करता है किस वक्त मदद करता है टाइम ये अल्लाह का इल्म है ये मैं आपको यानी जो अल्लाह वाले हैं अल्लाह के चाहने वाले हैं उनको मैं बताता हूँ आप देखें राजी रहें जो भी हालात हो जिस तरह के भी हालात हो, आप उस पर राजी रहें राजी बराजा। अब तेरह साल मेरे आका ने गुजार दिए मक्की ज़िंदगी के और सख्त तकलीफ़ों में गुजारे ये तो आपको मालूम है लेकिन राजी बराजा थे किसी ने उफ तक नहीं की तो ये ऐसी कोई बात नहीं है बहरहाल अच्छा बहरहाल अपने मज़मून की तरफ़ आते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया रहा है लकुम आयत तुम्हारे लिए निशानी है दो ग्रोह जिन्होंने आपस में बाहम एक दूसरे के मुक़ाबिल हुए अच्छा फिर ये तफ़ी अल्लाह फरमा रहा है कि एक ग्रोह तो था तो लूफ़ी सबील लाए वो अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा जो था वो उनके ख़िलाफ़ था जो यानी मोमिनों के ख़िलाफ़ था अल्लाह वालों के और अल्लाह के हजब हजबुल्ला के मुखालिफ आ गया था और इतनी तादाद थी कि उनको खुली आँखों से दुचन लग रही थी मुसलमानों को काफिरों की तादाद तो दु, सेचन थी सेचन लेकिन वो दुचन लग रही थी मतलब बहुत लग रहे थे ये नहीं कि उनको आ, कुछ कम लग रहे थे वल्लाय दो बिनसरी मैशाओ अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं मदद करता हूँ तइद करता हूँ अपने मदद की जिसे चाहता हूँ और जब चाहता हूँ बस ये थोड़ा सा मतलब यह है कि आपने जहन में रखना होगा क्योंकि तकालीफ़ और मुसीबतें जो हैं ये मैंने आपको बताया कि मोमिन के गले का हार होती हैं और इसके गले का यानी इसके रास्ते का एक जेवर होती हैं वो मेरे ख़्याल से जामी का एक शेर है कि दर कूचे नेक नामी मरा गुज़र नदादन गर तो नबी पसंदी तब्दील कुन कज़ारा कि नेकनामी के नेकनामी की जगह हमने कदम नहीं रखा है और अगर ए तलेब मौला अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है अल्लाह ताला का तरीक़ा तो अल्लाह की तकदीर को तुम बदल दो तब्दील कन कज़ारा बहर हाल तो अब इसमें निशानी क्या है इन नफीज़ा लाल का फिर कद का नकुम आया निशानी क्या है कि अल्लाह ताला ताइद मोमिनों के साथ अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होती है और उनको घबराना नहीं चाहिए अब ये बदर का जो वाक़ था जाहिर है कि ये तो एक इम्तहान भी था मुसलमान निकले थे काफ़िरों के यानी जंग के लिए निकले थे मक्के से ये काफ़िले के लिए निकले थे और काफ़िले के साथ तो थोड़े से ही लोग थे उनकी हिफाजत के लिए और 313 की तादाद खूब काफ़ी थी उनके मुकाबले के लिए लेकिन रास्ते में ये हुआ कि काफ़िला बच के काफला निकल गया और उधर से जो है अबू जहल लश्कर जमा करके मुसलमानों के मुकाब मुसलमानों को ख़त्म करने के इरादे से आ गया खूब उसने जो है अपने साथ लाब के सामान और नाचने गाने वालियाँ और ख़ुराक का सामान ये सब जो है ऐश यानी उनका ये पूरा यकीन था कि हम मुसलमानों को ख़त्म करके आएंगे इस इरादे से निकले थे अब ये तो एक कसम की अल्लाह से जंग थी उन्होंने जो जंग का इरादा किया तो ये तो अल्लाह से जंग थी तो उनको तो खैर एहसास नहीं था दिल उनके पत्थर हो चुके थे उनको ये पता नहीं चल रहा था कि किस से लड़ने जा रहे हैं ये तो अल्लाह ताला की ताकत से वो लड़ने जा रहे थे लेकिन यानी उन्होंने अपना पूरा प्लान बना लिया था किसने काफिरों ने कि वहाँ शराब पियेंगे फतह करके ये करेंगे वो करेंगे जश्न मनाएंगे लेकिन हुआ क्या हुआ वो जो अल्लाह चाहता था इसमें एक और भी ये है कि इसब मोमिन जो है अगर कोई ऐसी सूरत हाल आ जाए जिसमें बाहर इसबाब आपके ख़िलाफ़ हो लेकिन फिर भी आपको पीछे नहीं हटना और जो आपने इरादा किया है माल जान की कुर्बानी का वो आपने यानी करना होगा इसकी इन तफसील भी आएगी इसी शुरू मुबारक में आगे तफस भी आएगी लेकिन यहाँ मैं यानी अख्तसार से काम ले रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने सिर्फ़ एक आयत रेफरेंस के तौर पे पैदा पेश की है और वो भी इसलिए कि ये अल्लाह ताला एक निशानी बताना चाह रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा मजमून मैं अब थोड़े से टाइम थोड़ा है लेकिन मैं आपको ये मज़मून इसका ख़ुलासा बयान करूँ असल चीज़ क्या है कि आप अल्लाह की मदद पर भरोसा करके अल्लाह को मंजिल बना के उसके रास्ते पर चल पड़े अल्लाह को मबूद वाहिद बना ले, मकसूद वाहिद बना ले, महबूब वाहिद बना ले, और किसी न, की मलामत से न डरें किसी के नुकसान से न डरें आपका हामी और नासिर जो है वो अल्लाह की ज़ात है वल्लाह हो यो अये दो बेनसरी ही मैशा हो अल्लाह यानी आप अपना काम किए जाए और तो अल्लाह ताला की मदद आपके साथ होगी बाहिर अगर आप शिकस्त भी खा गए लेकिन फिर भी शिक्स्त का मतलब ये है कि अगर दुश्मन ने आपको नुकसान भी पहुँचा दिया लेकिन फिर भी फ़तह आप ही की होगी क्योंकि असल जो फतह है वो तो अल्लाह की तरफ से होती है लेकिन असल जो कामयाबी है वो योम आखिरत की कामयाबी है मिसाल के तौर पे इमाम हुसैन आसमाम ने अपने आ, अपने आप को और अपने कुर्बानी पेश कर दी बाहिर उनका नुक़सान हो गया लेकिन हकीक़त में तो वो फ़ायदे में रहे क्योंकि वो अमर हो गए उसके बाद वो अमर हो गए यानी इस्लाम उससे ज़िंदा हो गया और वो ख़ुद भी ज़िंदा हैं अभी तक ज़िंदा हैं क्योंकि उनको तो हम आ, मरवा तो नहीं कह सकते वो तो अल्लाह की राम उन्होंने शहादत पेश की तो बहर अच्छा ये इसमें जो मजमून है सामिन करम इसमें यानी आप शुरू से लेकर अब तक जो मजमून चला रहा है ये हमने आयात तेरह तेरह आयात हम पढ़ रहे हैं इसमें बुनियादी ये मुतालबा क्या है कि इलाकुम इलाम वाहिद तुम्हारा मबूद एक है एक अल्लाह के सामने सर झुका दो वो तुम्हारी ज़रूरियात पूरा करने वाला भी है और खसूस मौाक़ पर जब तुम्हें मदद की ज़रूरत होगी अल्लाह ताली अपनी ताइद ताई तुम्हारे अल्लाह की ताई तुम्हारे साथ होगी उसकी रहमत उसकी नुसरत तुम्हारे साथ होगी और ये तो मैंने आपको आ, उस दिन भी आ, एक नशिस्त में मैंने आपको कहा था कुरान की आय इंसुरकुमल्हु फला गालिबलकुम वहीं अखज़ुलकुम फ मंजल लजी एंसुरकुम मिन बादे अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता अभी हमने सूरह बकरा में पढ़ा है वो तलुत का वाक़ व कतल दाऊद ज जालूत ू के लश्कर ने जो है उसमें दाऊद अलैहिस्सलाम थे उन्होंने तालु को कतल जालूत को कतल कर दिया फिर यानी अब वो वो भी तकरीबन तीन सौ तेरह थे और वो लश्कर जो था वो हज़ारों में था लेकिन क्या कीजिए अल्लाह ताला की नुसरत तो के लिए तो यानी उसके लिए कोई लश्करों की ज़रूरत नहीं होती अब्रहा ने चढ़ाई कर दी मक्के पे तो उसके लिए तो कुछ फौजें अल्लाह ताला नहीं भेजी अलम तर कैफ़ा अला रब कब फील क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने हाथी वालों के साथ क्या किया झुंड के झुंड परिंदे भेज दिए और उनकी चोंचों और पंजों में छोटे छोटे पत्थर थे आ, तो उन्होंने उस पर बमबारी कर दी तो वो खाए हुए भूसे की तरह हो गए तो एक बात देखें ये बातें जो हैं इसमें आबरत लेनी चाहिए इन नफीजा लाइबरा उबसार यानी जो यानी आँखों वाले हैं उनको उनके लिए इसमें आबरत है तो बहरहाल हाल मैं तिलावत करता हूँ मेरे साथ दोहराइए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كان لكم آية في فئتين التقطة فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ترجمة سنة قد كان لكم آية في فئتين التقطا अलबत्ता तुम्हारे लिए एक निशानी है दो ग्रोहों में जो बाहम मुकाबिल हुए फिर अतन तो कतल लफ़ी एक ग्रोह जो था वो लड़ता था अल्लाह की राह में बा उखरा काफिरतुन दूसरा काफिर था योन हम यु मिसमरा यन वो इन्हें दिखाई देते थे आ, अपने से दो चंद खुली आंखों से वल्लाहु यो अयिन ही मई शाओ अल्लाह ताला मदद करता है वल्लाह ताला तइज करता है अपनी मदद से जिसे चाहता है इन नफ़ीज़ालबरत अबसार बेशक इसमें निशानी है देखने वालों के लिए अब अबिनायत की तिलावत और तर्जुमा सुनते हैं जीब पनह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूत ऐसी बिस्मिल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निम वाला है قد كان لكم ايه في فئتين التقتا فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره يرونهم مثليهم راي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن तुम्हारे लिए दो गिरोहों में जो जंग बद्र के दिन आपस में भिड़ गए कुदरत खुदा की अजीम शान निशानी थी। एक गिरोह मुसलमानों का था वो खुदा की राह में लड़ रहा था और दूसरा गिरोह काफिरों का था वो उनको अपनी आंखों से अपने से दुगना मुशाह कर रहा था और खुदा अपनी नुसरत से जिसको चाहता है मदद देता है जो अहले बसारत है उनके लिए इस वाक़े में बड़ी इबरत है करम इसके साथ आज के दर्स का वक्त अख्तितम को पहुँचा अगले दर्स में इनशा मुलाकात होगी वह आखिर दावाना अनिल على حبيبك خير الخلق كلهم